आए दिन आप लोगों ने सरकारी विद्यालयों को लेकर विद्यालय की कुव्यवस्था, एमडीएम में गड़बड़ी और पढ़ाई में लापरवाही से जुड़ी खबरें पढ़ी, सुनी और देखी होगी। पर लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय होरिलोंग इन सब खबरों से परे अपनी एक अलग ही पहचान को देखती है, जहां विद्यालय समिति और कार्यकर्ता शिक्षकों ने अपनी कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से विद्यालय की पहचान को पूरे जिले में एक आदर्श विद्यालय के रूप में दिलाई है, जो सरकारी सहयोग राशि के साथ साथ शिक्षकों के निजी सहयोग से संचालित यह विद्यालय कई महंगे निजी विद्यालय के बराबर बच्चों को सुविधा दे रही है। हम होरिलोंग विद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं। सुदूर चार दीवारी के साथ दीवारों पर लिखा सुंदर स्लोगन और हरे पेड़, फूल पत्तियां व सब्जी की बागवानी, किचन सेट, पेयजल की समुचित व्यवस्था काफी आकर्षित करती है। वहीं लड़के लड़कियों के साथ साथ निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए अलग से भी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद कला के क्षेत्र में विद्यालय ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जबकि विद्यालय के बच्चों ने अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व जिला से लेकर राज्य स्तर तक किया है, जिसमें बच्चों ने कई सफलताएं अर्जित की, जिसकी खुली तारीफ बच्चों के अभिभावक के साथ साथ पूरे जिले के लोग भी करते हैं। मेरे स्कूल में सारे चीज का व्यवस्था है और मैं जानती हूँ कि मेरा स्कूल सबसे बेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा यहीं पर रहूँ। मेरे स्कूल में 3 चापाकल है और किचन भी है, रसोई भी है, सब चीज है। मेरे सर है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं सब भी। हमारे टीचर भी अच्छे हैं। मेरे स्कूल में नल भी है, चापाकल भी है। मेरे स्कूल में हर चीज का व्यवस्था है और आगे भी व्यवस्था आने वाला है। खेलने का भी व्यवस्था है। हमारे स्कूल में टीचर हमेशा भी खेलने का चीज लेकर के आते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे स्कूल में सारी सुविधा है। हमारे स्कूल में भी 3 चापाकल है और अच्छा पानी भी है। हमारे स्कूल में जो बाउंड्री लग गए हैं उनसे भी अच्छे हैं और इन सल्फेंट जो लगे हैं उससे अच्छे लग रहे हैं। और कंप्यूटर का भी सुविधा होने वाला है, इंसान और बेंच और टेबल भी आने वाला है। पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई में तो हम लोग के स्कूल सबसे अच्छा है। हम लोग के सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग का खेल में भी अच्छा अच्छा वो सिखाते हैं और ज्ञान सब पढ़ाकर हम लोग का अच्छा अच्छा बात बताते हैं। ज्ञान बताकर कहते हैं कि किसी को बुरा भला नहीं करना चाहिए, सबसे दोस्ती और अच्छा से रहना चाहिए। और हमारे सर हैं जो क्या कहते हैं से हम लोग को बहुत सारी सुविधा करवा रहे हैं और आगे भी बहुत सारा सुविधा करवाएंगे। अपने स्कूल का संचालन विद्यालय के शिक्षकों, एसएमसी के सदस्यों, माता समिति एवं बाल संसद के सक्रियता के कारण यहाँ तक विद्यालय को अपने स्तर से लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं और मैं लगातार प्रयास में लगा हुआ हूँ। यह एक स्कूल मैं जितना दे सकूँ। इसके लिए हम अपने यहाँ एक किचन सेट बनाए हैं, उधर बालकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है, बालकों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। वैसे स्वच्छता और पर्यावरण के लेकर के भी बहुत सारे जो हमारे यहाँ जगह है उसमें हम लोग लगातार कुछ लगे हुए हैं कि स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित भी कुछ विशेष काम हो सके। देखिए, हमारे स्कूल में आज से शुरुआत तक से हम इस स्कूल का आदेश हैं और विद्यालय प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष बने रह गए, मगर इसमें आज हमारे बच्चों के संचालक करने में हम लोग जैसे अंडा वाला का अंडा सरकार देती है, हम लोग अपने से खड़ा होकर के सिलवाते हैं, चला रहे हैं और सहयोग करना है। ये अभी नया जो नामांकन हुआ इसमें घर घर जा कर के बच्चों को या माता पिता के सूचना दे करके भेज करके नामांकन कराए और विद्यालय के सहयोग करते आज तक हम यहाँ तक आए। हमारे विद्यालय में सरकार द्वारा जो भी मतलब कि जो भी कार्यक्रम का संचालन हो रहा है उसमें सारे हमारे विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय के जो समिति हैं
और सारे सदस्य मिल करके उस क्रियाकलाप में करने में सहयोग करते हैं ताकि काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। आज आपको विद्यालय में जो भी विकास संबंधी देख रहे हैं, चाहे विद्यालय की पढ़ाई लिखाई हो या स्वच्छता हो, ये सारे जो है मतलब विद्यालय के जो भी मतलब की समिति बनी हुई है उनके सहयोग और शिक्षा का देन है जो कि आज धरातल पर देख रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय होरीलोंग हमारे प्रखंड का बहुत ही अच्छा विद्यालय है और हमने उस विद्यालय में कम से कम महीना में मतलब दो माह पर जरूर एक बार वहाँ का हम लेकर स्तरीय जांच करते हैं। वहाँ का जो भी रख रखाव किसी भी चीज़ का रख रखाव हो, बिल्डिंग की स्थिति हो या शौचालय की स्थिति हो या क्लासरूम MDM की स्थिति, हर चीज़ वहाँ अच्छा है और मॉडल स्कूल के रूप में हम लोग उसको ये करने के लिए जो ऊपर से आदेश आया था मॉडल स्कूल के लिए चिन्हित करके विद्यालय को ये भेजना था तो हम लोग उसको भेजे हैं। और हमारे प्रखंड का